दुर्ग में महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रखी दो सूत्रीय मांग, बड़ी संख्या में रैली की शक्ल में पहुंचे अधिकारी व कर्मचारियों ने लगाए नारे। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी व पेंशनरों के संयुक्त महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम दुर्ग जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और साथ ही वेतनमान के आधार पर 14% महंगाई भत्ता व गृह भाड़ा दिए जाने की मांग की। इस मौके पर महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने साफ कह दिया कि 3 चरणों में प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाएगा, जिसके बाद भी उनकी मांगों पर अगर कोई विचार नहीं किया गया तो वे आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने पर बाध्य होंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आज सांकेतिक एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी अभित शर्मा जी के नेतृत्व में कर रही है। पूरे सभी जिला मुख्यालयों में हम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के बैनर तले आज दो ये जो प्रमुख मांग इनमें भी साथ दे रहे हैं। और हमारी 28 सूत्री मांग जो है, जिसमें कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग की जो वेतन विसंगति प्रमुख मांग, वो विगत 20 वर्षों से लंबित है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि विभिन्न संचालकों ने हमारी अनुशंसा वाली मांगों को भेजा है, संचालक स्वास्थ्य सेवाओं ने, संचालक आयुष ने और संचालक चिकित्सा सेवा ने। तो हमारी विभिन्न कैडरों की जो वेतन विसंगति है उसको दूर की जाए, रेडिएशन भत्ता बढ़ाया जाए, नर्सिंग का जो धुलाई भत्ता है वो बढ़ाया जाए, संविदा और NRHM के कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर की जाए, नियमित पदोन्नति की जाए और जीवनदीप के जो कर्मचारी हमारे हैं उन कर्मचारियों को नियमित पदों के विरुद्ध भर्ती किया जाए। हमारी प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग उल्लेखित है और पुरानी पेंशन को माननीय मुख्यमंत्री जी को लागू करना चाहिए और 14% जो महंगाई भत्ता है उसको भी दिया जाए। महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पूरे छत्तीसगढ़ के समस्त 28 जिला मुख्यालयों, 146 तहसील मुख्यालयों में आज ज्ञापन दो सूत्री मांगों का, जिसमें हमारी पहली मांग है 31% महंगाई भत्ता, हमें वर्तमान में 17% मिल रहा है, 14% लंबित है। और दूसरा, गृह भाड़े भत्ते को जो 6वें वेतनमान के दर पर दिया जा रहा है उसको 7वें वेतनमान के दर पर रिवाइज किया जाए। इन दोनों मांगों को लेकर हम लोगों ने माननीय मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया, 2 तारीख को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री को। आज हम लोग पूरे प्रदेश में ज्ञापन रैली के माध्यम से आगाज कर रहे हैं और उसके बाद 11 मार्च को, यदि 9 मार्च को बजट में घोषणा नहीं होती है तो 11 मार्च को हम लोग पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी राजधानी रायपुर में एकत्रित होकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद भी यदि सरकार नहीं मानी तो हम लोगों ने अल्टीमेटम 11 अप्रैल से 13 अप्रैल मंत्रालय संचालनालय सहित पूरे प्रदेश के समस्त स्कूल दफ्तर सब बंद करके और सामूहिक अवकाश पर रहेंगे, सारे दफ्तर हम लोग एक सप्ताह के लिए बंद करेंगे। मैं अनिल शुक्ला, प्रांतीय संयोजक छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।